देखिए प्रोग्राम पल वजीर आला और जानिए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की गुज़श्ता हफ्ते की मसरूफियात। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने गरीब परवरी की एक और मिसाल कायम करते हुए पिशावर के रिहायशी दिहाड़ीदार मजदूर के बेटे को सरकारी मुलाजमत दे दी। वजीर आला ने अजीज खान नामी मेहनतकश को अपने दफ्तर बुलाकर उसके बेटे का तकरीरनामा हवाले किया। 72 साल अजीज खान बाबूगढ़ी पिशावर का रिहायशी और मेहनत मजदूरी करके घर बार चला रहा है। अजीज खान गुज़श्ता 35 सालों से सिविल सेक्रेटरिएट में मेहनत मजदूरी कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के स्कूलों में मौसम गर्मा की तातीलात में 31 अगस्त तक तौसी का फैसला किया गया। ये फैसला सूबे में हालिया दिनों गर्मी की लहर में इजाफे की पेश नजर किया गया है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की हिदायत पर महकमा इब्तदाई और सानवी तालीम ने तातीलात में तौसी का बाकायदा ऐलामिया जारी कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला महमूद खान ने कहा है कि वाकया करबला हक व बातिल के दरमियान एक अजीम मारका था जिसमें नवासे रसूल इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हो ने दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए लाजवाल और बेमिसाल कुर्बानियां पेश की जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आवाम को रिहायशी सहूलियात की फराहमी के लिए एक और अहम कदम के तौर पर बन्नू में एक नई हाउसिंग स्कीम का इजरा करने जा रही है। इस सिलसिले में एक इजलास वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ जिसमें इस मुजव्वज़ा रिहायशी मंसूबे से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर गौर व खोज किया गया और अहम फैसले किए गए।